हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज ओडिशा तथा देश विदेश केते गुड़े बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं आसी। कालिया योजना, किसान योजना, पेट्रोल दर और डीजेल दर, राशन कार्ड अपडेट भली बहु गुड़े खबर। संपूर्ण खबर जानवा पाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु और संपूर्ण खबर जानतु। या पूर्व गोटे छोट रिक्वेस्ट, चैनल जदि नुआ अछंती चैनल सह जोड़ी हेबा सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर चैनल सह जोड़ी हो जातु। दर्शक बंधु, संपूर्ण खबर आसतु ए वीडियो माध्यम रे नजर पकाइबा। केन्द्र सरकार बड़ निष्पत्ति, एणिकि पीडीएस सामग्री बंटन बेले दिजिव अलग अलग रसीद। हिताधिकारी जानवे किए देउची चाउल। चाउल को नहीं राजनीति जारी रही बेले बड़ निष्पत्ति नहीं केन्द्र सरकार। सबु राज्य सरकार को चिठी लिखिंट केन्द्र खाद्य जोगाण मंत्रालय। चाउल और गहम देवा समय नेशनल फूड सिक्यूरीटी आक्ट बा एनएफसी लेखा प्रिंट लोक को देवाक पड़ो। यहस यही चाउल और गहम केन्द्र सरकार पक्षर जगै दि जाए दर्शाईवाक पड़ो। जातीय खाद्य सुरक्षा योजना पर अलग रसीद और राज्य खाद्य सुरक्षा पर अलग रसीद रहिबो। आमाजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील विरोध में केन्द्र बड़ कार्यानुष्ठान जारी करागला। विज्ञप्त गुणवत्ता चिन्ह बिना सामग्री विक्रय बीएस हार्मलेस और अर्चित समेत खुचरा स्टोर गुड़िक सारा देश में 18,600 खेलना जबत कर। उपभोक्ता सुरक्षा नियंत्रक सीपीएफ पर ब्यू ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मध्य खेलना उपर गुणवत्ता नियंत्रण ऑर्डर उल्लंघन कर तीनोटी प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को नोटिस जारी कर। ओडिशा को मिलला 9.69 लाख पीएम घर सूचना देले भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना संपर्क में सांसद अपराजिता षडंगी सूचना देखती से कहते ओडिशा को मोट 9,69,000 घर मंजूरी होतीम फनी पीड़ितों पर 1.24 लाख घर मंजूरी होता बेले खोर्धा जिला 10,147 घर मिलता अपराजिता षडंगी। तेबे सांसद अपराजिता आहुरी मध्य कहिछन्ति जे राज्य सरकार सह से कथा होइछन्ति। तेबे ओडिशा को मिलला 9.69 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना संपर्क में प्रेस मीट जरिया रे भुवनेश्वर सांसद सूचना देइछन्ति। बीएसकेवाई कार्ड केलेंकारी परे सरकार को चेता पसिला। कड़ा निर्देश बीएसकेवाई कार्ड केलेंकारी कमिशनरेट कटक 42 मौजा पुलिस द्वारा गिरफ्त होई। पांच दल दलाखु नर्सिंग होम मालिक जेल जबार दिनक पर राज्य सरकार का चेतना पशिच। एभली क्षेत्र में दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को सब जिलापा और डीएम मान को कड़ा निर्देश देते स्वास्थ्य सचिव शालिनी पंडित। यही कार्ड प्रत वर्ष नवीकरण करने को पड़े ना, यह अटे रेन्युआल होता बोली स्पष्ट कले स्वास्थ्य सचिव। युक्त दुई छात्र छात्री मान एक बड़ खबर। युक्त दुई परीक्षा केन्द्र में सीसीटीवी बाध्यतामूलक। न मानिले कार्यानुष्ठान कड़ा पदक्षेप ना सीएचएसई। आसंता मार्च मस पहु राज्य में युक्त दुई थियोरी परीक्षा आरंभ हो। एप्रिल मास 5 तारीख पर्यंत दुईट पर्यायर यह परीक्षा अनुष्ठित हो। अन्यपक्ष प्राक्टिकाल परीक्षा फेब्रुआरी मास 1 रु आरंभ हो 10 तारीख में सर। चलित बर्ष कला विज्ञान वाणिज्य और धंदामूलक शिक्षापाई 3.5 लाख रु अधिक छात्र छात्री फर्म पूरण कर। खुचुरा कॉइन न नेले जेल। बैंक जनसाधारण व्यवसायी विरोध में होब कार्यानुष्ठान। स्पष्टीकरण देला आरबीआई। साधारण भाव कॉइन बजार रे संतुलता रक्षा करने उद्देश्य केन्द्र सरकार 1 टंकिया 2 टंकिया 5 टंकिया और 10 टंकिया कॉइन प्रचलन कर। मात्र अनेक समय रे राज्य किसी अंचल दोकानी व्यवसाय और जनसाधारण यह कुंठाबद्ध करते। तेरे वर्तमान राज्य अनेक स्थान में कॉइन चलुन खबर नहीं विभिन्न महल तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाई। कॉइन ग्रहण करुनथिबा व्यक्ति आईन अनुसार दंडित बोली भारतीय रिजर्व बैंक आंचलिक कार्यालय पक्षर स्पष्ट करा। तेबे कॉइन न नेले कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जीव बोली आरबीआई पक्षर स्पष्टीकरण दिया जा परे एहाको अनेक समर्थन करिसेंति। जानंतु आपणक शहरर सुना दाम बढ़ी ना कमी। आंतर्जातीय बाजार रे सुना मूल्यर परिवर्तन देखा देछि। गतकाली 10 ग्राम रे 23 क्यारेट सुना दर 55,500 टंका रहितबा बेले
ଆଜି ତାହା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 55,600 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 53,200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିଭଳି 20 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 48,400 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 43,700 ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 14 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 34,400 ଟଙ୍କା ରହିଛି। କରୋନା ଅପଡେଟକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ଚୀନ ସମେତ ଏହି 4 ଦେଶରୁ ଆସିଲେ RT-PCR ଟେଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଚୀନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଏବେ କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ତାଣ୍ଡବ କରୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତ ସରକାର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଟେଷ୍ଟିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି 5ଟି ଦେଶରୁ ଯେଉଁ ନାଗରିକମାନେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ RT-PCR ଟେଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ। ଚୀନ, ଜାପାନ, ହଂକଂ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରୁ ଆସିଲେ RT-PCR ଟେଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ। ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ ସଂକ୍ରମିତ। ସେହିପରି ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସୁବିଧା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ଯାତ୍ରୀ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଜି କେତେ ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 103.19 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 94.76 ପଇସା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ବି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 96.72 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ଦର 99.62 ପଇସା ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 106.31 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 94.27 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 106.03 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 92.76 ପଇସା ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 102.63 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ 94.24 ପଇସା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶ ବିଦେଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ।